बचपन आपको तालिब इल्मी के दौर की तो बता दी ना, अब जरा सुनिए आखिरी उम्र की जब आप पढ़ाने लगे। कितने बड़े आप मुहद्दिस और सूफी और वली अल्लाह, अल्लाह अकबर जल्ला शान। अब ये किरामत जरा सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। अल्लाह की याद कसरत से करते थे, कोई ऐसा इमाम नहीं गुजरा, वो फिक्र का इमाम हो, हदीस का इमाम हो, कोई भी इमाम हो, हमारे जितने असलाफ हैं वो सब के सब तहज्जुद जरूर पढ़ते थे, उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में रोया करते थे, तो अल्लाह ताला उन पर करम फरमाता था। आज वो लोग हम में नहीं हैं, क्यों? इसलिए कि हमने सुबह की यूनिवर्सिटी में दाखिला बंद कर दिया है लेना। कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही, सुबह के वक्त उठकर रोए बिना कुछ हाथ नहीं आएगा। उठो, सुबह की यूनिवर्सिटीज में फिर से दाखिला लो, फिर से दाखिला, देखो वहां से क्या नॉलेज आता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आप अल्लाह ताला की याद में बड़ा रोते थे, बहुत रोते थे, इतना रोते थे कि आखिरी दो सालों में, और एक जगह मैंने पढ़ा चार सालों में आपकी बिनाई चली गई, देखना आंखों ने बंद कर दिया, इतना रोते थे आप अल्लाह की बारगाह में। एक मरतबा आप तबलीग के लिए जा रहे हैं, उन्हीं आखिरी सालों में जा रहे हैं आप, आपका तरीका ये होता था जैसे आजकल होता है, उलामा मुख्तलिफ जगह पर जाते हैं तकरीर के लिए, जैसे अभी मैं जुमेरात को मैं गया हुआ था, बफलो में मैं गया, मेरी बड़ी आरजू थी कि मैं अजान दूँ नियाग्रा फॉल के ऊपर, अजान दूँ वहाँ, मैंने आला हजरत का एक वाक्या पढ़ा हुआ था, तो मेरा दिल था कि वहाँ पानी पे अजान दूँ मैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसा सबब बना दिया, वो हमारी टीम के ही एक रुकन है, उन्होंने मुझे दावत दी, मैं वहाँ फिर गया जुमेरात की बाद, मैंने फिर जाके नियाग्रा फॉल में अजान दी, मैंने कहा क़यामत के दिन इंशाल्लाह ये पानी भी हमारे लिए गवाही देगा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब वहां मैंने जाकर तकरीर की, इस तरह जैसे मैं जाता हूं तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, उनके दर के सग भी नहीं, वो तो क्या बात थी आइमा की। आप तकरीर के लिए जाते तो आप जवानी में भी जाते थे, तो अब बुढ़ापे में आप जा रहे थे, तो रस्ते में एक गांव से गुजरे, जब आप गांव से गुजरे तो एक मकाम ऐसा आया कि आपने सर को नीचे कर लिया, यूं जैसे कोई चीज होती है ना, कोई ऊपर से आने अब नीचे कर, नीचे करके जब गुजरे तो साथ वालों ने पूछा हुजूर सर क्यों झुकाया आपने, कहने लगा सर क्यों झुकाया आपने, तो आप फरमाने लगे कि अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं तो यहां दरख्त होता था, उसकी शाखें नीचे की तरफ थी, गुजरने वालों को तंगी होती थी, तो लोग जो हैं वो सर झुका के गुजरते थे, मैं भी एक दफा गुजरा हूं यहां से तो मैंने सर झुकाया कि वो दरख्त आ गया, कहने लगे जी यहां तो कोई दरख्त नहीं है, आपने फरमाया पता करो मेरी बिनाई नहीं है, लेकिन अगर यहां दरख्त ना हो तो आज के बाद मैं हदीस बयान करना छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। कहां हैं वो लोग के टैक्सी चलाकर पेंट और कोट पहनकर आइमा पर जो हदीस को जमा करते हैं, हदीस पर एतराज करने वाले, वो कहां गए? वो तो अपनी चाबी रखकर भूल जाते हैं। तो इमाम तिरमिजी क्या कह रहे हैं कि अगर यहां दरख्त नहीं था और मेरी याददाश्त के मुताबिक यहां दरख्त होना चाहिए, अगर दरख्त नहीं था पता करो, अगर दरख्त ना हुआ तो आज के बाद हदीस बयान करना खत्म।